गाइस, क्या आप लिथुएनिया पहुंच चुके हैं या फिर आप फ्लाइट पकड़ के अपनी फर्दर स्टडीज के लिए लिथुएनिया पहुंचने वाले हैं? दोनों ही केसेस में ये वीडियो आपके बहुत काम का है। सो हाय गाइस, वेलकम टू एडु सॉल्यूशन ओवरसीज। क्योंकि आज का ये वीडियो है इजी ट्रांसपोर्टेशन इन लिथुएनिया। वहां जाने के बाद डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन का यूज तो आपको करना ही होगा। तो किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या फेयर रहता है, वो सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो लिथुएनिया में बहुत ही कॉमन है और मेजर सिटीज में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का यूज कर सकते हैं। बहुत ही क्विक है, रिलायबल है और पंक्चुअल भी रहता है। गाइस, बहुत ही टिकट्स जो हैं वो ऐसा नहीं होता कि आप ट्रांसपोर्ट के जैसे बस वगैरह के अंदर बैठे और वहां पर ही ड्राइवर या फिर कंडक्टर्स जो होते हैं वो टिकट वगैरह सेल कर रहे हैं। ऐसा कॉमनली नहीं होता है यहाँ पर। बेसिकली आपको अपने मोबाइल डिवाइस के थ्रू ही अपना टिकट ऑलरेडी परचेज करके रखना होता है जो वहां पर आप शो कर सके। गाइस, टैक्सीज का यूज भी आप कर सकते हैं, बट उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रीट पे खड़े हैं और हाथ हिला करके आप किसी टैक्सी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर करेंगे तो आप पर फाइन लग जाएगा, तो उसका आपको पेनल्टी आपको भुगतनी पड़ जाएगी। बेटर कि आप अपने मोबाइल ऐप से ही आप तो टैक्सी को इन बिटवीन ही बुक कर लीजिए ताकि वो आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा सके। गाइस, टैक्सीज में यहाँ पर उबर भी चलती है, बोल्ट टैक्सी सर्विसेज हैं, बहुत ही रिलायबल है, ऑथेंटिकेट है, आप इजिली यूज कर सकते हैं। गाइज, आप किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें, आपके पास टिकट होना मैंडेटरी है, चाहे वो टिकट ऑनलाइन मोड से आपके पास आया हो या फिजिकल मोड से, क्योंकि इंस्पेक्टर्स जो हैं वो चेक करते हैं और अगर टिकट नहीं होता है तो वो आपको छोड़ते नहीं है। तो टिकट होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ गाइज, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मिल जाते हैं जो कि हर जगह अवेलेबल है। जस्ट एक ऐप आपको डाउनलोड करना है, पेमेंट करनी है और इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको अपने लिए बुक करना है। तो गाइज, ई स्कूटर्स के थ्रू आप अपनी डेस्टिनेशन बिना किसी ट्रैफिक जाम में फंसे बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से जल्दी पहुंच जाते हैं। फ्यूल कॉस्ट कुछ आती है नहीं, पार्किंग का कोई झंझट नहीं है, आपकी फिटनेस भी बनी रहती है और ये स्कूटर्स बहुत ही इजीली एक्सेसिबल भी हैं, तो आपका ट्रैवल बहुत आसान हो जाता है। गाइस, इन केस अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप टैक्सी का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। स्कूटर्स तो मैंने आपको बताया, वो भी चूज कर सकते हैं और थोड़ा सा और जल्दी अगर करनी है तो आप बाइक्स भी चूज कर सकते हैं। सो गाइस, बाइक्स भी यहाँ पर मिलती हैं, आप अवेलेबल है ऑल ओवर द सिटी और ओल्ड टाउन में भी अवेलेबल है, विल्नस, क्लैपिडा, सब जगह अवेलेबल है। गाइस, बाइक में फायदा ये होता है कि स्कूटर्स की तुलना में थोड़ा थोड़ा क्या बल्कि काफी जल्दी आप अपनी डेस्टिनेशन को कवर कर लेते हैं। ट्रैफिक जाम की भी कोई टेंशन नहीं होती है, बाइक से तो जू जू करके हम निकाल ही लेते हैं। फ्यूल कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत कम आती है, पार्किंग भी आपको इजीली मिल जाती है। ई स्कूटर्स की भी पार्किंग का कोई इश्यू नहीं है, बाइक्स की पार्किंग का भी कोई इश्यू नहीं है और बहुत ही इजीली एक्सेसिबल भी है। ठीक है, आप चाहे स्कूटर से जाएं या बाइक से भी आप जाएं, कैसे भी जाएं, लेकिन जो रेंट होता है वो बहुत ही इजीली, बहुत ही अफोर्डेबल होता है। अप्रोक्स 3.2 यूरोस के आसपास ही रहता है 24 आवर्स का, एक दिन का। तो इतने कम रेंट में जब जब चाहे आप पूरे दिन के लिए बाइक उठाएं, स्कूटर उठाएं और अपना सिटी एक्सप्लोर करें, तो ये बहुत ही अच्छा रीजनेबल बेनिफिट आपको मिल जाता है सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। गाइस, ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो टिकट्स की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का टिकट आप देख लीजिए 0.65 यूरोस, बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत अफोर्डेबल है। ट्रेन टिकट्स में विल्नस से क्लैपिडा आपको जाना है, 32.10 यूरोस में आप जा सकते हैं। टैक्सी आपको लेनी है विल्नस एयरपोर्ट टू द सिटी सेंटर, हार्डली 7.50 यूरोस। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लिथुएनिया में आपको बसेस मिल जाएंगी, शटल बसेस मिल जाएंगी और विल्नस और कॉनस जैसे सिटीज में तो आपको ट्रॉली बसेस भी मिल जाती है ना। देर इज अ स्मॉल ट्रेन बिटवीन विल्नस स्टेशन एंड द इंटरनेशनल एयरपोर्ट वंस एन आवर, हर 1 घंटे में ये एक छोटी सी ट्रेन है जो कि विल्नस स्टेशन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाती है हर घंटे में, और फेयर भी बहुत रीजनेबल है, केवल 0.50 यूरोस। तो सब कुछ बहुत बहुत अफोर्डेबल है। गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये स्टूडेंट का एक इंटरनेशनल स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड है।
इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो गाइस, आईएसआईसी कार्ड इज एक्सेप्टेड बाय लिथुएनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इस कार्ड के थ्रू आप 80% डिस्काउंट अपने मंथली पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकट पर ले सकते हैं, 50% डिस्काउंट अपने डेली ट्रांसपोर्टेशन टिकट पर ले सकते हैं, और 50% डिस्काउंट बस टिकट, डोमेस्टिक रूट और ट्रेन टिकट्स पर ले सकते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड है जो कि स्टूडेंट्स को अपने पास रखना मैंडेटरी होता है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके जो जो बेनिफिट्स हैं, अगर ये आपके पास होगा, आप इसे शो करेंगे, तो डेफिनेटली इसके ये जो बेनिफिट्स मैंने अभी अभी आपको बताए हैं वो आपको इजीली मिल सकते हैं। सो गाइस, इंटरनेशनल स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड आप जल्दी से जल्दी लिथुएनिया पहुंच करके बनवा लीजिए, ताकि फ्रॉम द डे फर्स्ट आप इसका यूज कर सके। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा लिथुएनिया पहुंचने के बाद भी, और अगर आपको अब जाने की तैयारी चल रही है हमारे स्टूडेंट्स की, उनके लिए एक्सक्लूसिवली ये वीडियो है, ताकि वो जब वहां पर जाएं तो उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। गाइस, इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं, प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड गाइस, प्लीज हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस को फॉलो करें, ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। एंड गाइस, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और जल्दी ही एक और नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।